वेलकम बैक एक बार फिर लिव फॉर अदर्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के हमारे मेहमान हैं निहायत ही काबिले एहतराम फादर विक्टर जॉन ओएसएम। आज हम फादर जी की खिदमत के हवाले से, उनकी बुलाहट के हवाले से और उनकी जमात के हवाले से और फ्रांसिस्कन फ्रेरी के हवाले से बातचीत करेंगे। फादर जी एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया ताकि आपसे और आपके इस जमात के हवाले से बातचीत कर सके। शुक्रिया साहिब शरीफ, मुझे नहायत खुशी है कि आज मुझे आपने मौका फराहम किया ताकि मैं अपनी जमात के बारे में और अपने फ्रांसिस्कन फ्रायरी के हवाले से आपके साथ गुफ्तगू कर सकूं। फादर जी आपसे मेरा पहला सवाल है कि आप अपनी खिदमत और बुलाहट के हवाले से कुछ बयान करें। सबसे पहले मैं अपनी बुलाहट के हवाले से आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरा ताल्लुक एक मजहबी घराने से है। मेरे वालिद साहब मुनाद थे हैदराबाद डायसिस में और तकरीबन 37 साल उन्होंने मुनादी की खिदमत सर अंजाम दी। मेरे वालिद चूंकि मुनाद थे और कलाम मुकद्दस से वाकफियत रखते थे, लिहाजा जैसे खुरूज 34 बाब में लिखा है कि पहले फल जो है खाबो जानवरों का हो, खाबो इंसानों का हो, खाबो जमीन का पहला फल हो, वो खुदा के लिए नजर किया जाना चाहिए। लिहाजा मेरी वालदा वालिद ने ये फैसला किया कि हमारा पहला बच्चा खाबो लड़की है या लड़का है तो हम उसे खुदा की नजर करेंगे। अब मुझे जब ये पता चला, मैं जब बढ़ता गया मुझे पता चला तो मेरे शौक जो है और जज्बा और ज्यादा मौजूद हुआ। हमारे यहाँ चूंकि फ्रांसिस्कन फादर्स खिदमत करते थे हैदराबाद डायसिस में, उनके साथ ताल्लुक था। फिर हमारे फ्रांसिस्कन भाई ब्रदर्स वहां जाते थे मिलने के लिए। उनकी जिंदगी को देखकर और मुतासर होकर मैंने भी ये ठान लिया कि मैं अपने वालदैन का किया हुआ वादा जो है उसे पूरा करूंगा। और आहिस्ता आहिस्ता मेरा शौक जो है वो बढ़ता चला गया। 1975 में पूरे पाकिस्तान से फ्रांसिस्कन जमात में शामिल होने वाले जो नौजवान लड़के थे उनके लिए एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया और मैं भी उसमें शामिल हुआ। तो लिहाजा वहां पर हमें बुलाहट के हवाले से सिखाया गया, फ्रांसिस्कन जमात के हवाले से बताया गया, हमें ये भी बताया गया कि हमारी जो खिदमात है फ्रांसिस्कन घराने की वो किस किस्म की है। मेरा शौक चूंकि इसमें था कि मैं फ्रांसिस्कन बनूं, लिहाजा 1977 में मैंने राबाना जिंदगी का जो सफर था उसका आगाज किया दारुल से। वो हमारा तरबियती घर है, वहां मैंने 3 साल का अरसा गुजारा और 3 साल का अरसा गुजारने के बाद फिर मैं कराची 1980 में मैं कराची आया जहाँ पर मैंने निविशेट अपना मुकम्मल किया। निविशेट राबाना जमातों में एक ऐसा साल है जहाँ पर उनके मुरब्बी के बारे में सिखाया जाता है, उस जमात के बारे में, क्योंकि मैं फ्रांसिस्कन था मुझे उस फ्रांसिस्कन जमात उसके जाब्ता हयात के बारे में सिखाया गया। और वो एक खास किस्म का टाइम है, खास अरसा है जो हमें सिर्फ इसी बात पर कॉन्सेंट्रेट करवाया जाता है कि हम अपनी जिंदगी से अपने मुरब्बी से ज्यादा मालूमात हासिल करें। मैंने अपनी फिलासफी जो थी फलसफा का जो तालीम यहीं पर हासिल की और उसके बाद इल्म इलाहियात क्राइस्ट द किंग सेमिनरी में जो है उसको जारी रखा। 5 दिसंबर 1986 को मेरी ऑर्डिनेशन हुई और उस वक्त से आपने खिदमत भी पूछी है तो मैंने तकरीबन अपनी खिदमत अपनी जिंदगी के 28 साल मैंने पैरिश में खिदमत सर अंजाम दी। मुख्तलिफ पैरिश में मैं कराची में बिता, हैदराबाद में, सांगड़ में और गुजरात मेरा पहला मेरी पहली अपॉइंटमेंट गुजरात रावलपिंडी डायसिस में थी। तो मैंने रावलपिंडी से मैंने अपनी खिदमत का आगाज किया। इसके साथ 28 साल मैंने क्योंकि पैरिश में काम किया, 5 साल मैंने
फॉर्मेशन में गुजारे हैं, जिसमें से 3 साल में नोविस मास्टर था। नोविस मास्टर का काम भी फ्रांसिस्कन स्टूडेंट्स जो हैं उनकी तरबियत करना और उनको उस साल में मुकद्दस फ्रांसिस असीसी की जिंदगी से मुतालिक बताना, सिखाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में सिखाना और उन्हें तैयार करना है ताकि वो इल्मे फलसफा और इल्मे इलाहियात की तालीम के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। 2 साल मैंने दारुल लाहौर में फॉर्मेशन में गुजारे जहाँ मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। फिर उसके बाद मैं 4 साल के लिए पापाई बसिलिका सेंट जॉन द लैटरन रोम में मैंने एज ए कन्फेसर ये खिदमात सर अंजाम दी है और 4 साल के बाद अब मैं छुट्टी के लिए आया हूँ और मेरी जमात के जो मिनिस्टर जनरल है उन्होंने मुझे एक नए मिशन के लिए चुन लिया है और ये नया मिशन जो है वो पापुआ न्यू गिनी में होगा और ये पापुआ न्यू गिनी एक जजीरा है जो ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा ऊपर है और वहाँ मैं इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि मैं वहाँ पर जाकर अपनी खिदमात जो है वो जान रख सकूँ। ग्रेट, ये है फादर जी की बुलाहट और खिदमत। फादर जी, आपसे मेरा दूसरा और अहम सवाल ये है कि आप अपनी जमात के बारे में और फ्रांसिस्कन फ्रेरी के हवाले से कुछ बताएं। ओके, हम फ्रांसिस्कन जमात फ्रांसिस्कन मुकद्दस फ्रांसिस की रूहानियत को जिंदा रखने के लिए, मुकद्दस फ्रांसिस की रूहानियत को फरोग देने के लिए 1934 में हॉलैंड से कुछ हमारे फ्रायर्स आए कराची में और उन्होंने ये महसूस किया कि सिंध और बलूचिस्तान में बहुत सारी खिदमत जो है वो करने की ज़रूरत है। लिहाजा 1934 में जनवरी 1934 में फ्रायर्स आए और हमसे पहले जेजुइट्स फादर्स जो थे ऑलरेडी वो कराची में काम कर रहे थे। लिहाजा जून 1935 में फ्रांसिस्कन फ्रायर्स ने ऑफिशियली जेजुइट से ये खिदमत जो है वो हासिल की और उसे जारी रखने के लिए अपने आप को पेश किया। फ्रांसिस्कन जमात ने ये महसूस किया कि ना सिर्फ मिशनरियों की ज़रूरत है बल्कि यहाँ लोकल जो फ्रांसिस्कन फ्रायर्स हैं उनकी भी ज़रूरत है कि वो भी मुकद्दस फ्रांसिस की रूहानियत को जिंदा रखें। लिहाजा 1936 में या गालबन 1937 में ये जो आप जगह देख रहे हैं ये क्राइस्ट द किंग सेमिनरी से लेकर फ्रेरी के कोने तक ये सारी हमारी फ्रांसिस्कन जमात ने ये जगह खरीदी ताकि फ्रांसिस्कन जमात के लिए ये और उनकी तरबियत के लिए नौजवानों की तरबियत के लिए एक अदारा बनाया जाए जहाँ पे बकायदा उनकी तरबियत हो। 1940 में फ्रांसिस्कन फ्रायरी का बकायदा आगाज हुआ क्योंकि हमें एक अदारे की जरूरत थी, फ्रांसिस्कन फ्रायर्स की तरबियत की जरूरत थी। लिहाजा 1940 में फ्रांसिस्कन फ्रायरी जिसका नाम पोर्चुंकला फ्रायरी है और पोर्चुंकला का मतलब है इटालियन में स्मॉल पोर्शन या छोटा घर या छोटी जगह, तो मुकद्दस फ्रांसिस ने जब अपनी खिदमत का आगाज किया तो पत्थर चुनकर उसने छोटा सा एक चैपल बनाया जहाँ पर उसकी बुलाहट का जो सिलसिला था वो शुरू हुआ और उसके ऊपर अब उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बसिलिका तामीर किया गया है जो मलका फरिश्तगान की जो मलका है उसके नाम से मंसूब है। लिहाजा पोर्चुंकला फ्रायरी इसको नाम दिया गया छोटा घर ताकि फ्रांसिस की रूहानियत को जारी रखा जा सके। 1956 में फ्रायर्स ने यह महसूस किया कि ना सिर्फ फ्रांसिस्कन की जरूरत है लिहाजा डायसिसन प्रीस्ट जो है उनकी भी जरूरत है क्योंकि ज़ाहिर है मुस्तकबिल में मुख्तलिफ डायसिसें बनेगी और उनमें डायसिसन प्रीस्ट की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा 1956 में
बाकायदा असेंबली का आगाज क्राइस्ट द किंग असेंबली का आगाज किया गया, जिसमें पहले दो रेक्टर जो थे वो फ्रांसिस्कन थे और उन्होंने इसका आगाज किया। तो हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि फ्रांसिस्कन जमात ने रूहानियत जो कहने की रूहानियत है, कहने की जो तरबियत है पूरे पाकिस्तान में, और जितने भी बिशप साहबान हैं इवन कार्डिनल साहब, उन्होंने इसी तरबियत गाह से अपनी तालीम का आगाज किया और क्राइस्ट द किंग असेंबली से उन्होंने तालीम हासिल की। तो ये फ्रांसिस्कनों की कोशिश से, फ्रांसिस्कनों के विजन के साथ इसका आगाज हुआ और हमें बड़ा फख्र है कि फ्रांसिस्कनों ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जो है न सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये खिदमत जो है वो उसको जारी रखा है। तो फ्रांसिस्कन फ्रारी ने जब इसका आगाज हुआ तो उसका पहला जो प्रोफेसर था, पहला टीचर जो था वो फादर लिबेरियस पीटरसन OFM था, जो यहाँ फलसफा पढ़ाते थे, हिब्रू, ग्रीक, लातिनी और म्यूजिक सिखाते थे। और मुकदस फ्रांसिस का ये पैरोकार जो है वो इसलिए भी मशहूर है क्योंकि उन्होंने ओशाना की किताब में बहुत सारे गीत जो है वो लिखे और इसके साथ साथ उन्होंने कैथलिक उर्दू बाइबल का जो तर्जुमा है उसमें भी उनका एक कलीदी किरदार रहा। जबरदस्त। और अब फादर जी मुझे ये भी बता दें कि आपके पास यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं और ये तो उनके जो है रिहाइश गाह है और दर्स कहाँ हासिल करते हैं? फिलहाल हमारे पास यहाँ पर इस फ्रांसिस्कन फ्रारी में 10 स्टूडेंट हैं जो इल्म इलाहियात के लिए NCIT जाते हैं, नेशनल कैथलिक इंस्टीट्यूट ऑफ थियोलॉजी, यहाँ पर वो तालीम हासिल करते हैं। तो इससे पहले इस घर में आने से पहले हमारा एक और घर है नविशट हाउस, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट एक साल के नविशट करते हैं, फिर उसके बाद 2 साल जो है वो इल्म फलसफा जो है उसको हासिल करते हैं और फिर फर्स्ट ईयर में थियोलॉजी का जो कोर्स है वो शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया फादर जी। फादर जी आपसे मेरा तीसरा और अहम सवाल ये है, मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी जो कि आपके मुरब्बी भी है, इन्हें अम का मुरब्बी भी कहा जाता है, तो आप इनके हवाले से भी आप हमें कुछ बताएं, मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी बतौर अमन का मुरब्बी। मुकद्दस फ्रांसिस असीसी 1182 में इटली के शहर असीसी में पैदा हुए और जब वो पैदा हुए तो उस वक्त का जो निज़ाम था वो आमराना निज़ाम था, जागीरदाराना निज़ाम था और उसी में उसकी तरबियत थी। उसके वालिद साहब एक अमीर ताजर थे, कपड़े का कारोबार था और शुरू में जब नौजवान फ्रांसिस था तो उन्होंने बड़ी अय्याशी की जिंदगी गुजारी, गीत से गीत में, नाचने गाने में उन्होंने अपना वक्त सरफ किया, लेकिन जब खुदा ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने सब कुछ छोड़कर, अपने बाप के घर को छोड़कर, अपने बाप के इवन जो तन पर उसके कपड़े थे वो भी बाप को वापस किए और कहा कि आज से आप मेरे बाप नहीं है मेरे, बल्कि मेरा बाप वो है जो आसमान पर है। तो जब उनकी बुलाहट हुई तो उन्होंने अपनी बुलाहट में ये महसूस किया कि इस जागीरदाराना निज़ाम और इस तफरीक को जो अमीर और गरीब के दरमियान थी, पढ़े लिखे और अनपढ़ के दरमियान जो तफरीक है, और उस वक्त के जो लोग थे बीमार या कोड़ी थे उनको भी एक किस्म का रद्द किया हुआ था, उन्हें भी माशरे से दूर रखा जाता था। तो ऐसे हालात में फ्रांसिस ने गुर्बत को अपनाया और गुर्बत को अपनाने से फरोतनी उसके अंदर और हमीनी उसके अंदर आ चुकी थी, लिहाजा उन्होंने मसीह खुदावन को बड़े करीब से देखा, जिन्हें कदरों को पर अपनी जिंदगी गुजारी और मुकद्दस फ्रांसिस ने मसीह खुदावन से
इस कदर प्यार करता था कि अपनी मौत से पहले उन्होंने ये दुआ मांगी और कहा कि खुदावंद अगर तू वाकई मुझसे प्यार करता है तो फिर अपने 5 जख्म मुझे दे दे। तो लवर्ना असीसी में इटली में लवर्ना के मकाम पर मुकद्दस फ्रांसिस दुआ कर रहे थे तो उन्हें 5 जख्म जो मसीह खुदावंद के वो मिले, इसलिए आज भी उन्हें दूसरे मसीहा के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसके साथ साथ मुकद्दस फ्रांसिस ने, क्योंकि उसकी जिंदगी अब यकसर बदल गई थी, उसने कायनात से बेहद प्यार किया। कायनात की हर शय को वो अपना भाई और बहन तस्वर करते थे, हर शय को अपना इवन जानवरों की छोटी चोटी को भी अपनी बहन चोटी कहता था। और इतना कायनात के साथ एक था, वो समझता था कि जिस हाथ से मुझे बनाया गया है उसी हाथ से कायनात की सबसे छोटी शय को भी बनाया गया है। तो लिहाजा हम आएगी मोहब्बत और प्यार जो था वो कायनात के साथ उसका बेहद था, इसलिए उसे अमन के लिए और अमन का पैगंबर कहा जाता है क्योंकि उसने कायनात के हर शय से प्यार किया। मुकद्दस फ्रांसिस ने अपनी जिंदगी में उसके नाम से मंसूब जो दुआ है, अमन और सुलह की दुआ, वो बड़ी मशहूर दुआ है और वो ना सिर्फ मसीहों के लिए बल्कि अक्वाम आलम के लिए, मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए, दूसरे मजाहब के लिए भी ये बड़ी इम्पॉर्टेंट दुआ है। क्योंकि मुकद्दस फ्रांसिस इस बात के लिए लोगों को तैयार करता है कि अमन और सुलह के जरिए हम एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, अमन और सुलह के हम पैगंबर हैं। और ये दुआ जो है वो जेनेवा में अमेरिका में जो यूएनओ को ऑफिस है उसकी दीवार पर आज भी ये आवेजा है और लिखी गई है ताकि वहां आने वाला हर शख्स, खा उसका ताल्लुक किसी भी मजहब, मसलक या अकीदे से है, वो इस दुआ को पढ़े और अपनी जिंदगी में अमन और सलामती के लिए कोशिश करे और जद्दोजहद करता रहे। बहुत शुक्रिया फादर जी। फादर जी, आपने अमन की बात की, आज पूरी दुनिया में जंगोगारत है, माशी हालात बेहतर नहीं है, लोग तसल्ली पजीर नहीं हो रहे, परेशान है। तो जैसे कि आपने अमन के हवाले से बात की, मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की दुआ, मैं चाहूंगा इन जंगी हालात और मौशी हालात को देखते हुए मैं चाहूंगा कि ये मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की दुआ करें ताकि पूरी दुनिया में खुदा अमन को फरोग दे और हर एक को तसल्ली मिले। शुक्रिया जाहिद। मैं समझता हूं कि हालात बहुत खराब हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी और दुनिया के हर हिस्से में अमन की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, हम आहंगी की ज़रूरत है, इंसाफ की ज़रूरत है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। तो हमें लॉन्ग उम्मीद नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा मजहब हमें पुर उम्मीद करता है। हमारा मुरब्बी मुकद्दस फ्रांसिस और हमारा रहनुमा मसीह खुदावंद हमें फिर उम्मीद रहने की दावत देता है। तो लिहाजा मैं आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करते हुए और लोगों में इसको फरोग के लिए मैं मुकद्दस फ्रांसिस असीसी की वो दुआ पढ़ना चाहता हूँ जो हमें पुर उम्मीद बनाती है और जो हमें तसल्ली, तशफी और इत्मीनान भी अता करती है। तो मुकद्दस फ्रांसिस की जो दुआ है वो कुछ इस तरह है, आए खुदावंद मुझे सुलह और सलामती का वसीला बना दे ताकि जहां हसद हो वहां मोहब्बत लाऊं, जहां कसूर हो वहां मुआफी लाऊं, जहां झगड़ा हो वहां इत्तफाक लाऊं, जहां गलती हो वहां सदाकत लाऊं, जहां शक हो वहां ईमान लाऊं, जहां मायूसी हो
वहां उम्मीद लाऊं, जहां तारीकी हो वहां रोशनी लाऊं, जहां गुमराही हो वहां तसल्ली लाऊं। हाय इलाही उस्ताद, हमें तौफीक दे कि हम अपनी तसल्ली न चाहें बल्कि दूसरों की तसल्ली के लिए फिक्र करें, अपनी फिक्र ना करें बल्कि दूसरों के लिए फिक्र करें, दूसरों का प्यार न मांगे बल्कि हम खुद दूसरों को प्यार करें, क्योंकि जब हम देते हैं तो पाएंगे, जब माफ करेंगे तो माफ किए जाएंगे, जब मरेंगे तो हमेशा की जिंदगी के लिए पैदा हो जाएंगे। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है, आमीन। पाजी एक बार फिर आपका शुक्रिया कि आपने लिव फॉर अदर्स को इतना टाइम दिया ताकि लोगों में आपकी जमात को और मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी जो कि अम के सफीर हैं उनके पैगाम को आम कर सके। एक बार फिर आपका शुक्रिया। शुक्रिया जाहिद आपका और थॉमस आपका जिन्होंने आज मुझे फ्रांसिस्कन जिंदगी और फ्रांसिस्कन खिदमात के हवाले से मेरा इंटरव्यू किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को ये सिखाया जाए, ये समझाया जाए फ्रांसिस्कन जमात के हवाले से, फ्रांसिस्कन खिदमात के हवाले से, फ्रांसिस्कन मिनिस्ट्रीज़ के हवाले से, ताकि नौजवान और ज़्यादा फ्रांसिस्कन घराने में शामिल होकर मुकद्दस फ्रांसिस की रूहानियत को जिंदा करें, जो अमन की रूहानियत है, जो तसल्ली तशफ़ी और प्यार और इंसाफ की रूहानियत है, ताकि खुदावन के मिशन को हम सब मिलजुल कर पूरा कर सकें और मुकद्दस फ्रांसिस की रूहानियत को फ़रोग दे सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। हाँ जी आपका एक बार फिर शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपने इस हाउस का फ्लैरी का एक विजिट करवाएं ताकि हम दूसरी जगह भी देखें और लोग भी देखें कि आपके इस हाउस के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें जो है जुड़ी हुई है। ज़रूर आइए मेरे साथ। फ्रांसिस्कन फ्लैरी का चैपल आपके सामने है जहाँ पर नौजवान हर रोज़ पाकमास की कुर्बानी अदा करते हैं, दोपहर की दुआ करते हैं और फिर इवनिंग प्रेयर के साथ साथ नाइट प्रेयर यहीं पर अदा करते हैं। ये हमारा गार्डन है और इस गार्डन में हमने मुख्तलिफ परिंदे भी रखे हुए हैं, क्योंकि मुकद्दस फ्रांसिस जैसे मैंने बताया कि मुकद्दस फ्रांसिस कायनात की हर शय से प्यार करता था, तो यहाँ पे हमने मुख्तलिफ किस्म के परिंदे रखे हुए हैं और मुख्तलिफ किस्म के जानवर रखे हुए हैं ताकि हमारी अकीदत हमारी मोहब्बत वो उस मुकद्दस से हो जो जो कायनात से प्यार करता है। ये फ्रांसिस्कन फ्रायरी की लाइब्रेरी है, इसका नाम है सेंट बोनावेंचर लाइब्रेरी। हाय लाइब्रेरी चलते हैं। ये हमारा प्रोविंशियल हाउस है जिसे हम कस्टस हाउस कहते हैं, तो हमारे जो कस्टस है वो है फादर अजीम लॉरेंस। ये कस्टस हाउस का हॉल है जो हम आमतौर पर कॉन्फ्रेंसेस के लिए रिट्रीट्स के लिए दिए देते हैं और जितने भी फ्रांसिस्कन जमात के प्रोग्राम होते हैं तो हम यहीं पर करते हैं। ये सीनियर हाउस है, जब फ्रायर्स बुजुर्ग हो जाते हैं या रिटायर हो जाते हैं तो उनके लिए हमने ये घर बनाया है ताकि वो यहाँ आकर आराम करें और इन्जॉय करें अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी लम्हात हैं वो यहाँ पर इन्जॉय करें।